नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं फिर से बनाऊंगी यहाँ पर बेंटो केक, और यहाँ पर भी मैं फुल मेजरमेंट दिखाऊंगी कि कितना कोकोआ पाउडर। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं ए टू जेड मेजरमेंट करके दिखाती हूँ हर बार आप लोगों को, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। जो नए नए होम बेकर बने हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं उनके दिमाग में कि कितना ऑयल ले, कितना प्रीमिक्स ले, क्या ले, कैसे ले। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ, ताकि वो भी जो है घर बैठे आसानी से सारी मेजरमेंट के साथ अपने केक को बनाएं और बिल्कुल उनका लॉस ना हो। और यहाँ पर मैं प्राइस भी दिखाऊंगी कि इस तरह के केक का कितना प्राइस ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने एरिया का आसपास जानकारी लीजिएगा कि आपके तरफ क्या रेट चल रहा है, और मैं बताऊंगी कि इस बेंटो केक का किस तरीके से आपको कॉस्ट निकालना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और किस मैंने कितने में सेल किया है और आप कैसे सेल करेंगे वो भी मैं जानकारी दूंगी। क्योंकि देखिए बहुत टाइप से चीज़ें हैं, मैं आगे बताऊंगी धीरे धीरे। पहले आप इसको देख लीजिए कि मैं किस तरीके से टैप टैप करके इसे बेक करने चढ़ाया है। और आज यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ये गनाश की रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गनाश का रेशियो क्या हो, तो यहाँ पर मैं फुल मेजरमेंट दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ले लिया है बाउल, और यहाँ पर मैंने लिया है मॉर्डे कंपनी का डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ दूध के साथ, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम के साथ भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैं इसे कैसे जो है आगे दिखाऊंगी कि मैं इसे मेल्ट करूंगी, आपको दिखाऊंगी आम के आम और गुठलियों के दाम वाला यहाँ पर सीन। ये देखिए मेरा जो पतीला है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो मैंने क्या किया, अब इसे गैस बंद कर दिया था मैंने पतीले का, और उसके बाद उसमें मैंने रख दिया था अपना ये क्रीम और दूध से वाला पाउडर। तो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है, अलग से गैस चलाने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोवेव डबल बॉयलर मेथड की भी ज़रूरत नहीं है, ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो गनाश बनाया था वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तब आपको यूज़ करना है क्रीम में। और ये हमारा चॉकलेट डच क्रीम बन के रेडी हो चुका है। जी हाँ, तो ये हमारा चॉकलेट डच क्रीम बन के रेडी हो चुका है, और जब इसमें हम गनाश मिलाते हैं तो हमारा जो क्रीम है ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रनी हो गया है, इससे काम करना मुश्किल है। लेकिन आप थोड़ी देर इसे छोड़ेंगे तो ये एकदम थिक हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें एयर बबल्स तक आ जाएंगे। और जो बिगनर्स होंगे ना वो सोचेंगे कि हमारी क्रीम फटी फटी सी क्यों हो रही है, हम इससे कैसे काम करें। और आपको पता है इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैं जब इसे फ्रिज में रखती हूँ इसमें इतने ज़्यादा एयर बबल्स आ जाते हैं, मैं दिखाऊँगी आपको कितने ज़्यादा एयर बबल्स आ गए थे। तो फिर मैंने इसे फ्रिज के बाहर निकाला थोड़ी देर, 5-10 मिनट, और उसके बाद मैंने इसे यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नॉन स्टिक बेकिंग पेपर। जी हाँ, ये फैट फ्री कुकिंग के लिए यूज़ होता है, नो नीड टू ग्रीसिंग, और ये माइक्रोवेव एंड ओवन प्रूफ होता है, और इसमें बिल्कुल भी चिपकता नहीं है जो भी हमारा ये केक होता है। कुछ भी आप इसमें यूज़ करेंगे ना, आप इसमें बेकिंग भी करेंगे तो बिल्कुल भी आपका जो ये केक होता है चिपकता बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है, आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। और मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई है बेंटो केक की, मैंने इसका डब्बा भी दिखाया है कि मैंने कौन सा ये यूज़ किया है पेपर। अगर आप कहेंगे तो लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को, आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं बताऊँगी कि कौन सी वीडियो मैंने इसे दिखाया है। तो बस इसे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ अपने बॉक्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मैं सेट करके भी देखूंगी कि ये इसमें अच्छे से फिट आ रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। और आज मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट इस पेपर के ऊपर ही अपने बेंटो केक को बनाऊँगी। जी हाँ, और ये देखिए मैं यहाँ पर आज सोकिंग करूँगी शुगर वाटर से, मैं इसमें चॉकलेट पाउडर नहीं, चॉकलेट सिरप नहीं डालूंगी, नॉर्मली मैं कई बार डालती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा डोम शेप आ गया है, तो इसे मैं कट करके रिमूव कर दूंगी। और आप जब शुरू में ही जब प्रीमिक्स लेते हैं तो जितना मैंने प्रीमिक्स लिया था उसमें 10-15 ग्राम कम कर दीजिएगा, तो ये डोम शेप नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि देखिए आप प्राइसिंग इसकी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में हाफ के जी डच केक का रेट क्या है, पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। और आप एक बेंटो, पहले तो आप रेट देख लीजिए अपने एरिया में क्या चल रहा है डच केक का, हाफ केजी का रेट, क्योंकि बेकरी में इतने छोटे केक नहीं मिलते हैं।
बहुत हाई फाई केक शॉप पे ही आपको बेंटो केक मिलेंगे, और बेंटो केक काफ़ी महंगे रहते हैं। मैंने बहुत ऑनलाइन सर्च किया तो हमें उतना महंगा नहीं देना है, बस हमें अपना प्रॉफिट थोड़ा सा लेना है, अपना मेहनत लेना है। हाँ, तो आप पहले पता कीजिए कि हाफ के जी का डच क्रीम वाली केक का क्या रेट है आपके एरिया में, ठीक है। तो अब उसमें जो है पैकेजिंग 15 से 20 रुपये, 20 रुपये बहुत होते हैं। जब हम किसी से केक लेते हैं तो 15-20 रुपये आप बॉक्स का, नाइफ का, और केक जो बेस होता है उसका माइनस कर दिए, 25 रुपये माइनस कर दीजिए उसमें से, ठीक है। तो आपका हाफ के जी का रेट निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप घर में बेंटो केक बनाइए और उसका उसका वेट करके देखिए कि उसका इस बेंटो केक का वेट कितना है। तो जितना वेट होगा आपके बेंटो केक का, उसमें आपको अपना रेट निकल जाएगा कि हमारा ये जो बेंटो केक है इतने रेट का आया। प्लस आप देखिए कि आपने ये बेंटो बॉक्स कितने में लिया था, ठीक है। जैसे कई जगह पे आपको ये 25 रुपए का बेंटो बॉक्स मिलेगा, मैंने बताया था शुरू में ही, एक और केक मैंने बेंटो केक बनाया था तो मैंने बताया था कई जगह मुझे ये जो बेंटो बॉक्स है 25 रुपए का मिल रहा था। और जब मैं थोड़ी दूर गई शॉप में पता लगाने, जहाँ पे होलसेल रेट में सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे मुझे, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे 10 लगभग चाहिए ये बॉक्स, तब उन्होंने मुझे 10 रुपीज़ का एक बेंटो बॉक्स दिया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसे सेट कर दिया, आगे मैं बताती चलूंगी। मैंने इसे सेट कर दिया था फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद ये देखिए मेरी क्रीम कितनी फटी फटी सी दिख रही है, ये काफ़ी ज़्यादा एयर बबल आ गया, पर घबराने की कोई बात नहीं है, इसे हम स्मूथ करेंगे। आपका अगर स्टील का स्पैचुला होता है, पैलेट नाइफ, तो आप उसे हल्का सा गर्म कीजिएगा और स्मूथ करते जाइएगा, बहुत अच्छी स्मूथ होती है। और दूसरा, आप पानी से थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा अपने स्क्रैपर को और उससे स्मूथ कीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें ऐसे बबल्स आते हैं, जब भी हम चॉकलेट मिलाते हैं क्रीम में तो वो एयरी एयर बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता है और वो बबल्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया ना आपको, आप उसका रेट निकालिए हाफ के जी का, पहले पता कीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका बेंटो का वेट कितना हो रहा है, प्लस आपने बॉक्स कितने में लिया है उसका इसमें ऐड कीजिए। अगर 25 रुपये का आपने लिया है तो 25 रुपये उसमें ऐड कीजिए, और अगर आपने 10 रुपये का लिया है तो 10 रुपये ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आपको अपने बेंटो केक का प्राइस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप अभी मतलब पहले से ही केक सेल कर रहे हैं तो आप अपना देख लीजिए कि आपने क्या रेट लगा है हाफ के जी का, और उसके बाद इतने ग्राम में, मतलब 200 ग्राम, 223 ग्राम का हमारा बेंटो केक बन के रेडी होता है, तो आप 223 ग्राम का रेट निकाल लीजिए। मेरा ये 223 ग्राम का बन के रेडी हुआ था। तो इस तरीके से आप अपने बेंटो केक का रेट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये 226 ग्राम का रेडी हुआ है, जी हाँ। तो मैंने इसे कितने में सेल किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर इसमें भी बहुत ज़्यादा अगर कस्टमाइजेशन होती है तो आप और चार्ज कर सकते हैं। मीन्स इसमें आपको, अगर आपको फॉन्डेंट केक चाहिए, फॉन्डेंट का टॉपर चाहिए, कस्टमर कुछ बोले कि हमें हैप्पी बर्थडे का टैग भी दे दीजिए, हम ऊपर से लगाएंगे, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, अगर महंगे वाले देने होते हैं तो उसका भी रेट ऐड कीजिए। इस तरीके से आप अपने बेंटो केक का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपने केक का रेट निकालना है, और फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो भी आपकी क्वायरीज होगी उसको मैं उसका रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन ड्रिपर लिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था अपने पाइपिंग बैग में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर वही क्रीम, डच वाली क्रीम डाली है, अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि ये थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और ये देखिए मुझे क्या लिखना है, विल मिस यू, जी हाँ। तो यहाँ पर मैं वो लिख दूंगी, और मुझे कुछ यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पर मैं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी है हमें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, बेंटो केक की हाइट बहुत छोटी होती है, बॉक्स की हाइट, हमें उसी हिसाब से, ये देखिए वीडियो शूट ही नहीं हुआ है, मैंने उसी से ये लाइन बनाया है, और यहाँ पर मैंने रोज़ पेटल रख दिए हैं।
और उसके बाद मैं यहाँ पर चॉकलेट के छोटे छोटे ये देखिए बॉल्स मैंने लिए हैं और वो मैं रैंडमली इस तरीके से लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरा केक बनके रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आपको बेंटो केक का प्राइस निकालने में दिक्कत नहीं आएगा, फिर भी कुछ क्वेरीज होगी तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी नई नई वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।